हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के साथ वेडिंग रूमर्स पर खुद राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ते हुए दिलचस्प जवाब दिया है। जी हां, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपने रूमर्ड रिलेशनशिप को लेकर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। दोनों को अक्सर साथ में भी कई बार स्पॉट किया जा चुका है और इसी बीच अब खुद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पहली बार परिणीति को लेकर अपने रिलेशनशिप का सच सबके सामने रख दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान राघव चड्ढा से उनकी और परिणीति चोपड़ा के रिलेशनशिप की सच्चाई पूछने पर उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया है। एक पत्रकार ने जब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से पूछा कि आपकी और परिणीति की खूब चर्चाएं हो रही हैं, तो ये सब सुनने के बाद पहले तो राघव चड्ढा थोड़ा सा ब्लश करने लगे, फिर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, आज जश्न मनाइए क्योंकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है और कई सारे जश्न मनाने का मौका आपको मिलेगा। और इसी के साथ राघव चड्ढा ने अपने और परिणीति के रिश्ते को सबके सामने रख दिया। परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा काफी समय से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, ऐसे रूमर्स छाए हुए हैं। हालांकि अभी तक इस कपल की ओर से किसी भी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, लेकिन राघव के दिए इस बार के लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने परिणीति से वेडिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ते हुए रिश्ते की सच्चाई को जग जाहिर कर ही दिया है। दरअसल राघव चड्ढा ने हाल ही के एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आज जश्न मनाइए कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है और कई सारे जश्न मनाने का मौका आपको मिलेगा। नेता की इन सभी बातों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और अपने रिलेशनशिप के बारे में राघव चड्ढा इस बार खुलकर भी बोले हैं और जल्द ही वो अपने और परिणीति के रिश्ते को भी मोहर लगाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी पत्रकार ने राघव से परिणीति और उनके रिश्ते को लेकर सवाल किए हों। इससे पहले भी जब राघव चड्ढा से एक न्यूज चैनल ने परिणीति चोपड़ा को लेकर यही सवाल पूछा था तो राघव ने कहा था, मैं आपको बताऊंगा, उस पर हमारा अलग से इंटरव्यू होगा। और इसी बीच परिणीति चोपड़ा लंदन की ट्रिप के बाद मुंबई लौट आई है। परिणीति मंगलवार दोपहर मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट भी की गई, तो वहीं सूत्रों की माने तो दोनों जल्द ही एंगेजमेंट भी करने वाले हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बेशक अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में सिंगर और एक्टर हार्डी संधु ने एक इंटरव्यू में कपल के रिश्ते पर मोहर लगा दी और कहा था कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द ही शादी करने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा ने भी हाल ही में ट्विटर पर राघव चड्ढा और परिणीति को उनके यूनियन के लिए बधाइयां दी थी। हाल ही में मुंबई में दोनों को लगातार दो दिन स्पॉट भी किया गया, डिनर और लंच पर दोनों को देखा गया और इसके बाद से इनके डेटिंग के रूमर्स सोशल मीडिया पर छा गए। वहीं जब परिणीति चोपड़ा दिल्ली आई तो राघव चड्ढा पर्सनली एक्ट्रेस को रिसीव करने भी पहुंच गए थे। वेल, ये बात तो साफ है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। वेल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी एंटरटेनमेंट। टिल देन, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग ऑफ।